हाय साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल VIP करंट जॉब पर स्वागत है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमारे कई साथी ने कमेंट में लिखकर पूछा था कि सर क्या प्रशिक्षण के कार्य चलेंगे या लॉकडाउन और बढ़ेगी, तो हम उनसे बता दें कि सरकार ने फैसला लिया कि प्रशिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने की सिफारिश। जी हाँ, आज हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक में यह सिफारिश की कि शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने की सिफारिश की गई। और आगे हम बात करते हैं और पूरा हम जानेंगे कि किस प्रकार से सिफारिश की गई थी। मंत्री समूह ने कहा, सरकार लॉकडाउन बढ़ाए या ना बढ़ाए, शिक्षण व धार्मिक गतिविधियों पर अभी और रोक जरूरी। जी हाँ, मंत्री समूह ने कहा कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन शिक्षण व धार्मिक गतिविधियों पर अभी रोक जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों और माल पर खुफिया ड्रोन से रखी जाएगी नज़र। जी हाँ, लॉकडाउन के समय में जो है ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जाएगी सभी जिलों में। तो चलिए हम बात करते हैं, पूरी तरह से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आगे अभी कॉलेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लॉकडाउन खत्म होगा कि या नहीं लॉकडाउन खत्म होगा। आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पल पल के वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं लॉकडाउन पर फैसला केंद्र से बातचीत के बाद। जी हाँ, लॉकडाउन पर जो फैसला आना बाकी है वह केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ही लॉकडाउन का फैसला आएगा। तब तक हम आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन खोलने के बारे में फैसला 11-12 अप्रैल को केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लॉकडाउन जो है उसको बंद करें या खोलने, उसका जो फैसला है 11 से 12 अप्रैल को केंद्र सरकार के बातचीत करने के बाद किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि तब्दीली जमात के कारण अचानक परिस्थितियां बदली हैं। अब तक प्रदेश में आए केसों की संख्या 168 जमातियों के है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जरूर कुछ तब्दीलियां जो बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, वह जमात के कारण बदली हैं, क्योंकि अब तक आए केसों में से 168 केस जो है जमातियों के है। इससे स्थितियां कुछ बिगड़ी हैं, जमातियों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसके बाद भी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। CM ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिले के पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह बात कही कि लॉकडाउन कब खुलेगा। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। जी हाँ, CM ने कहा कि यह एक संक्रामक बीमारी है। जी हाँ, CM ने कहा कि यह एक जो है संक्रामक बीमारी है जो पंथ, मत, संप्रदाय, धर्म और मजहब को नहीं देखती। जरूरी है कि हम सभी बिना किसी भेदभाव के एक साथ इसका मुकाबला करें। और योगी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अफसरों, स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य लोगों से स्वयं को बचाने की हिदायत भी दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण ही देश में कोरोना सेकेंड स्टेज पर रुक गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सही समय पर कदम उठाए जाने के कारण कोरोना जो है वह सेकेंड स्टेज पर ही आकर रुक गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आगे आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट देखने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में बताएं, और इससे अगर और लोगों को हेल्प करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।